अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक फ्रॉड के ताल्लुक से आगाही दी थी, उसके बाद से मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ब्लैकमेलरों के और दलालों के और खासतौर से जो करप्ट वकील हैं, वकीलों के लिए मैं कहा करता हूं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, जो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे वकीलों से कि हलाल की रोजी रोटी खा लो, और दलालों से कहता हूं कि दलाली कब तक करोगे, एक दिन जब कमर झुक जाएगी तो ये दलाली नहीं हो पाएगी तुमसे। इसलिए इस मैयों और इस मुगलरों और रेपिस्टों, इन सब से कहना चाहता हूं कि तुम लोगों के खेल को मैं खराब करता रहूंगा और तुम लोगों को काम फराहम कराता रहूंगा, तुम लोगों के मामलात को मैं उजागर करता रहूंगा। कल जब से मैंने लोगों को बताना चाहता हूं कि कल जब से मैंने इन बिचौलियों का पर्दाफाश किया है, उस वक्त से धमकियों का और गीदड़ भक्कियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि असल ये लोग अगर असल बाप के औलाद है तो अपने कम से कम धमकियां बाद में दें, मारने मरवाने की तो बाद में बात करें, लेकिन सबसे पहले उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा असल नाम के साथ तो आ जाओ, जिस नाम को तुम्हारे बाप ने और माँ ने रखा था। लिहाजा धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। इन आदियों से कह दो कि औकात में रहे, औकात में रहिए। हम तमाम लोगों के, तमाम ब्लैकमेलरों के और तमाम मुजरिमों के, ब्लैकमेलरों के, लैंड क्राइबरों के राज को इच्छा करते रहेंगे। एक और बात का मैं खुलासा करते हुए और हकीकत हाल से वापस कराना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे मद्दाह, बहुत सारे हमदर्द और बहुत सारे खैरख्वाह एक ऑडियो को लेकर के, मुख्तलिफ बातों को लेकर के मुझसे रब्ता करते हैं और कुछ इस तरह से कहते हैं कि भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में कुछ गलत फैसला ना हो जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में कुछ उतार चढ़ाव ना हो जाए, क्योंकि जो ब्लैकमेलर हैं, जिनको इस बात का टारगेट दिया गया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भ्रमित करें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करें, वो लोग तो अपना काम करेंगे। मिसाल के तौर पर लोगों के एक बातों का, जो ब्लैकमेलर है, जो टारगेट दिए गए लोग हैं गलत कार लोगों की तरफ से, उनका उनकी मिसाल यह है कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही छीछड़े। लिहाजा किस तरह से उनके मसले हल होंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैक फिट पर होगा, किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मद्दाह और उसके चाहने वाले और मुस्लिम मईशत और खास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सूद से पार तजारत को फलने फूलने की चाहत रखने वालों की दिल शकनी हो सके, हौसला शिकनी हो सके, वो लोग कोशिश ये करते हैं। लिहाजा मैं तमाम मद्दाहों को, तमाम खैरख्वाहों को और तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े रहने वालों को ये बताना चाहता हूं कि ये बात जो इन लोगों की तरफ से गलत अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े ये ब्लैकमेलर, ये लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया, इनके ख्वाबों में क्या है, जमीन ही जमीन, किसी की जमीन को नाजायज कब्जा कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनें हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों को कब्जा कर लिया जाए, ये हैदराबादी जो जमीन माफिया है, लैंड ग्राइबर है, जैसे कि अख्तर, सैयद अख्तर, एस ए बिल्डर, टोली चौकी, इनके ख्वाब में ये बिल्ली है, इनके ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े। ये जब ख्वाबों में सोते हैं तो यही सोचते हैं कि लाल किला हमारे हाथ में होता और हम उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बेच लेते और उसके असल मालिक को जो है कैद में कर देते, जब तक वो आएगा बेच करके कहीं से कहीं हो जाएंगे। लिहाजा इन लोगों के ख्वाबों में यही सब चलता है और यही चाहते हैं कि फुला शख्स को गिरफ्तार करा दिया जाए, उसकी गिरफ्तारी की शक्ल में, उसकी गिरफ्तारी के पीछे हम उसकी जमीनों पर बिल्डिंगें बना लेंगे, मासूमों को बेच देंगे, मासूमों को बेचने के बाद फरारी अख्तियार कर लेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा, वो खरीदने वाला लड़ेगा, जमीन का मालिक लड़ेगा। इन लोगों की ख्वाहिश यही होती है। जमीन माफियाओं का मैं तफसीली तौर पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में आप तक पहुंच जाएगा, बड़ी तफसीली तौर पर कि इसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में असल मुजरिम, असल खाती है कौन। तो इसका असल मुजरिम तो आप लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी है, जिसके बैंक में
लोगों के पैसे थे, लोगों ने पैसों को उठाया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगा दिया। दारुसलाम बैंक में एक बड़े रेशो का फर्क आया और नुकसानात का खमियाजा भुगतना पड़ा। 2012 में असदुद्दीन ओवैसी ने FIR कर दिया और शिकस्ते फाश से दो चार हुआ। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर शिकस्ते फाश से दो चार हुआ, हार गया, मानहानि का केस हुआ, मानहानि का केस उसके गले की हड्डी बन गई। अब दूसरी तरफ जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने देखा कि एक पॉलिटिकल छोटा सा चूहे जैसा एक लीडर वो हमें परेशान कर देता है, बैकफुट पर लाने की बातें करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है, डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और कहा कि तेरे घर में घुस करके, तेरे घर में घुस करके, तेरे दारुसलाम में घुस करके हम तुझको शिकस्त देंगे। ये और ज्यादा बौखला गया। दूसरी तरफ सैयद अख्तर नामी बिल्ली, बिल्ली के ख्वाब में छीचड़े ही छीचड़े, सैयद अख्तर के ख्वाब में बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, प्लाट ही प्लाट, नाजायज, वो भी इसी बात को तक रहा था कि जो 2015 में 150 करोड़ की जमीनें बेची गई हैं उसको अपने कब्जे में किसी तरह से ले लिया जाए। अब ये दोनों असदुद्दीन ओवैसी और सैयद अख्तर मिलते हैं, दोनों खर्च का तायुन करते हैं कि इतना कमिश्नर को खिलाया जाएगा, इतना पुलिस अहलकार को खिलाया जाएगा, इतना फुला महकमे को खिलाया जाएगा और डॉक्टर नोएरा शेख को गिरफ्तार करा दिया जाएगा, पीछे से उनको ज्यादा से ज्यादा मरोड़ करने की धमकियां देने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा उनको गिरफ्तार करा दिया गया। उनको गिरफ्तार करा के ये कोशिश की गई कि अब उनसे सेटलमेंट किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए मांगे गए, आपको गिरफ्तारी से निकाल लेते हैं, 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी वाला कहता है, पॉलिटिकल बंदा कहता है कि आप अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी का बंदा कहता है जिसका दारुसलाम बैंक है वो कहता है कि आप अपनी अपना बैंक लेकर के किसी दूसरे शहर में चले जाइए ताकि उसके सूदी कारोबार फलते फूलते रहे और वो अपनी मां से जना का मुर्तकिब होता रहे, गुनहगार यहूदी एजेंट अपने कारोबार में फलता फूलता रहे। दूसरी तरफ जो 150 करोड़ की जमीन को बेचा है सैयद अख्तर ने, उसकी कुर्की हो जाए, वो सरकारी हाथ में आ जाए और सरकारी महकमा जात तो इनके हाथ में पहले से है, सरकारी महकमा जात इनके हाथ में दे दें, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी इनको 25 करोड़ में हाथ में आ जाए। इन लोगों का ख्वाहिश और मंशा और तमाम बातों के गुलबाग के तौर पर यही है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े छिछड़े। जो लोग कहते हैं कि ये फिर से गिरफ्तारी होगी, फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैक फिट पर जाएगा, उनके ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ यही जमीनें हैं ताकि इस जमीनों की पुर्की कराई जाए, 25,000-50,000 रुपए इसके दिए जाए, 150 करोड़ की, 640 करोड़ की जिस जमीन को नाप तोल करके सुप्रीम कोर्ट ने पैमाना लगाया है उसको ये 50 करोड़ में खरीद लें। सरकारी डिपार्टमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी किए हुए लोगों को लाख की जगह पे 5,000 रुपए दें। इनके मुकम्मल मंशा यही है। आप लोग जब भी ये सुनिएगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में, जब भी ये सुनिएगा कि जमीनें सरकार बेचेगी, जमीनें हुकूमतें बेचेंगी, जमीनें कोर्ट बेचेंगी, ये जेल जाएंगी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खत्म हो जाएगा, तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा समझना कि बिल्ली के ख्वाब में छीचड़े ही छीचड़े ये सैयद अख्तर और उसके ब्लैकमेलर, चाहे वो यूनुस झिंगुर हो, चाहे वो चांद कल्लू हो, चाहे वो शहबाज अहमद खान रेपिस्ट हो, इन सब का मंशा यही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीन पुरकी हो जाए, इन लोगों को 641 करोड़ की जमीन इनको चंद रुपए में मिल जाए और लोगों को सेटलमेंट के तौर पर 5 लाख की जगह पर 25,000 रुपए मिले। इनकी पूरी मंशा यही है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आपको इस बात का पता लग जाएगा कि जिनको भी जिनकी भी जमीनों की कुर्की हुई उनके मामले में अगर कोई शख्स 50,000 है तो उसको 500 रुपए मिले हैं, ज्यादा दूर नहीं। आईएमए की मंसूर को देख लीजिए, मजदूर ने हाथ खड़ा कर दिया, अब उसकी जमीनों को बेचा जाएगा, सरकार बेचेगी, जहां 50,000 किसी ने लगाया वहां 500 रुपए लोगों को मिलेंगे, जहां 5 लाख रुपए जिसने लगाया उसको 5,000 रुपए मिलेंगे, इसी तरह से मिलता है। लिहाजा इन ब्लैकमेलरों, इन खातियों, इन मुजरिमों, इन ब्लैकमेलरों, इन रेपिस्टों का मकसद यही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ बैकफिट पर जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ की जमीन है आनंद पानंद औने पौने दामों में फरोख्त हो जाए, ये लोग मालामाल हो जाए, इन्वेस्टर कंगाल हो जाए, इन लोगों की मंशा यही है।
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने बारहा कहा कि अगर तुम लोगों को पैसे मिलते हैं मुझे अजियत देकर के, तो अजियत दे लो, मुझे कैद करा के पैसे मिलते हैं कैद करा लो, 2.5 साल तक जेल में रख करके कितने रुपए पा लिए। लेकिन जब वो बाहर आई तो कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में पैसे लेने देने और जमीनों के फरोख्त की बात हो रही है। मामला इतने तूल तक पहुंच गया, मामला इतने कामयाबी तक पहुंच गया, लेकिन ये बिल्ली के बच्चे जो हैं वो अपने ख्वाबों में क्या कुछ पाल के बैठे हुए हैं आप लोग समझ सकते हैं। और इनके ख्वाबों में डॉक्टर नोएरा शेख की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बर्बादी के ख्वाब दिन रात सता रहे हैं। अल्लाह के कलिमात को बुलंद करने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस्लामी मईशत, सूद से पाक मुस्लिम मईशत, इंशाल्लाह तआला अल्लाह तबारक व तआला उसको कायम दायम रखेगा, तादेर कायम रखेगा। ये मेरी अकेले की दुआ नहीं है, मेरे तरह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। इंशाल्लाह तआला ये दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाल्लाह तआला, और कामयाब से कामयाब तरीन दिन बहुत करीब है। इन पिल्लों के बच्चों से कह दीजिए कि इनके ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे, शिकस्त दर शिकस्त ये खाते चले जा रहे हैं। इनका बाप, इनके बाप का बाप लैंड ग्राइबर, इब्ने लैंड ग्राइबर मरने के बाद जो है जमीन माफिया करार पाया। इनका बाप असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर होने के बावजूद हार गया। अब इधर उधर के लच्चे लफंगों से धमकियां दिलवाई जा रही हैं। सैयद अख्तर जो लैंड ग्राइबर है, जमीन माफियाओं का बादशाह, बेताज बादशाह बना हुआ है, सर पे टोपी दाढ़ी नमाजी हाजी बन करके इतने घिनौने काम कर रहा है, अपने दामाद को जमीन पर दे करके फुटबॉल ग्राउंड बनवा लिया है। तो इन सब की मंशा यही है कि इनके मकासिद पूरे होने चाहिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों का इन लोगों के जर्रा बराबर भी ख्यालों में कोई ख्याल नहीं है। इन लोगों का मामला है सूद से पाक तिजारत का खत्म होना, क्योंकि इसी साल फरवरी 18 तारीख के का अखबार सियासत उठा करके देख लीजिए, मेरे पास वो कहीं पर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। फरवरी हैदराबाद का सियासत अखबार, 328 खातीन के जेवरों को नीलाम किया है असदुद्दीन ओवैसी के बैंक दारुसलाम ने। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बैंकों से निकाल करके पैसे, बैंकों से पैसे निकाल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाए जाते थे, तो इन सूदखोरों की वालदाएं चीख पड़ती थी, क्योंकि बैंकों में एक गिरावट आती थी। जाहिर सी बात है, किसी बैंक से, दारुसलाम बैंक मिसाल के तौर पर है, 1000 पब्लिक हैदराबाद की अपनी 5-5 लाख रुपए निकाल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल कर देती है तो फकीर हो जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है। लिहाजा उसकी मजबूरी है सूद से पाक तिजारत से जलना, शैतानी अमल में उसके होने के नाते से इस्लामी मईशत से जलना, और जमीनों के माफियाओं का उनके ख्वाबों में इस बात का कि जमीनों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पुरुक कर दिया जाए या पुरुक कर देने के ख्वाब देखे जाए, ये उन लोगों की मजबूरियां हैं, उन लोगों के कारोबार हैं। आप लोग इसमें ज्यादा अपनी तवज्जो ना लगाइए। आप लोगों को इतना बताने दे, कुल मामले का लुब्ध जवाब ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज दर्जनों ऑर्डर पाने के बाद बैक फिट पर जाने वाली नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैक फिट पर इसलिए नहीं जाने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद उन मामलों पर अमल नाफिज नहीं कराया। जब तक अमल नाफिज करा नहीं देती है तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ही दिए गए फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। जमीनों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जिम्मे लिया है, जब तक उस मामले को कर नहीं देती, करा नहीं देती, तब तक ये मामला कहीं से कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पीछे हटने वाला नहीं है। इसी तरह से जितने भी लैंड ग्राइवर, जमीन माफिया कब्जा किए हुए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घोषित की गई जमीन पर कब्जा किए गए जमीन माफियाओं को जब तक सुप्रीम कोर्ट डंडा मार करके नहीं भगा देता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से दस्तबरदार होने वाला नहीं है। लिहाजा इस तरह की किसी भी बात को अपने मन में ना लाएं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैकफिट पर जाने वाली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक गहरी बुनियाद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई एक कंपनी का मजमुआ नहीं है, कंपनियों का मजमुआ है। लिहाजा वो कंपनी लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैकफिट पर लाने के लिए कम से कम 20-30 साल मुकदमा मजीद और लड़ना पड़ेगा। लिहाजा कोई भी भ्रमित करे, आपको
किसी भी तरह से गलत फैसले का, गलत इकदाम का डर दिखाए तो आप एक बात समझिएगा कि इनकी जहनों में अपने कमीशन घूम रहे हैं, इनके जहनों में वो जायदादें घूम रही हैं, इनके जमीनों, इनके जहनों में आपके पैसों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारी हिंदुस्तान की तारीख में सरकारी हाथ में कोई भी मामला जाने के बाद, मैंने जैसे कि बताया 50,000 के 500 मिलते हैं, 5 लाख के 5,000 मिलते हैं, लिहाजा आलमान डॉक्टर मोहन शेख साहबा ये होने नहीं देंगे। इसीलिए शुरू से कहा कि मैं मामले की असल हकदार हूं, जिम्मेदार हूं, मैं पैसे मेरे पास है, मेरे पास लोगों के पैसे जो हैं मैं देने के लायक हूं, मैं ही पैसे दूंगी, किसी दूसरे के बाप के जिगर में इतना दम नहीं है कि वो पैसे दे सके। असदुद्दीन ओवैसी की औलाद रेपिस्ट शहबाज अहमद खान के बाप ने, लंगड़े के बाप ने, काने नूले अंधे बहरे के और चांद जैसे झीमुर के औकात इतनी नहीं है कि वो पैसे दिला सके, ये अपने घर नहीं चला सकते, अपनी बच्चियों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया हुआ इन्होंने, ये आपके पैसे दिलवाएंगे कहीं से कहीं तक नहीं। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बैकफिट पर जाने वाली नहीं है जब तक कि उन दर्जनों मामलात पर ऑर्डर पर अमल नाफिज नहीं करा लेती, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं है, अपने फैसले से पलटने वाली नहीं है जब तक कि अपने दिए गए फैसलों पर अमल दराबदर ना करा ले, डेटा वापस ना दिला दे, बैंक अकाउंट ना खुलवा दे, जमीनों की पैमाइश हुई है जमीनों की फरोख्त करके सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में पैसे ले करके कमेटी गठित करके लोगों पैसे डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से सुदूरदोष होने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।